हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि जिन लोगों का डी फार्मा इस बार कंप्लीट हो गया है उनको लाइफ में क्या करना चाहिए। कई लोगों का सवाल है कि सर डी फार्मा करने के बाद क्या बी फार्मा करना सही रहेगा। तो इन दोनों सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम देंगे। तो पहली बात, जिन लोगों का डी फार्मा 2021 में कंप्लीट हुआ 2021 में, तो उनको सबसे पहला काम अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उनको पीसीआई रजिस्ट्रेशन के लिए जाना होगा। पीसीआई रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, सारा एक वीडियो बना दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन जिनको डी फार्मा के बाद लगता है कि बी फार्मा करना उचित है, इस तरीके के सवाल जो हमको व्हाट्सएप पे या कॉल पे पूछ रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा बता दें। देखो, अगर आपकी एज 30+ हो गई है, मतलब आप पहले या तो फिर जैसे नीट के लिए या किसी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे थे और आपका वो एग्ज़ाम में आप सफलता नहीं मिली आपको और उसके बाद आप डी फार्मा करने लगे, तो आप बी फार्म के लिए मत जाइए, ठीक है। अगर आपके पास बैकअप प्लान है, आपने अभी रिसेंटली 2019 में आपने 12th पास किया है, उसके बाद डी फॉर्म किया है और फैमिली का सपोर्ट है, अगर आपके पास परिवार आपके साथ है, सपोर्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है मनी से रिलेटेड, तब आप बी फॉर्म के लिए जा सकते हैं। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि सर डी फॉर्म क्या छोटी डिग्री है बी फॉर्म से, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप डी फॉर्म करेंगे, डी फॉर्म का मतलब होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, तब भी आप उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होगा, वही ग्रीन बुक, वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। और आप बी फॉर्म करने के बाद भी अगर UPPCI में रजिस्ट्रेशन होता है, तब भी वही ग्रीन बुक सेम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, बस अत्य उस पर लिखा रहेगा डिप्लोमा इन फार्मेसी, इस पर लिखा रहेगा बैचलर इन फार्मेसी। अब आगे अगर कैरियर की बात करें कि मतलब अगर आप कैरियर प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं कि हाँ बी फॉर्म करना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो पहला चीज़ मैंने आपको बताया कि आपके पास बैकग्राउंड सोर्स अच्छा होना चाहिए। मतलब कोई ये नहीं है कि अब उम्र हो गई है 25-30 साल के ऊपर आप हो गए हैं, अब आपको पैसा, घर से फैमिली सपोर्ट नहीं है, आपको कमाना ज़रूरी है, तो ऐसी स्थिति में आप बी फॉर्म के लिए बिल्कुल मत जाइए। अगर आप अभी 2019 में 12th पास किए और 2 साल डिप्लोमा किया, तब आप बी फॉर्म के लिए जा सकते हैं, अगर फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। बी फॉर्म करने के बाद आपको क्या क्या प्रॉफिट होंगे, बैचलर इन फार्मेसी करने के बाद पहली चीज़ आप के पास लाइसेंस डी फॉर्म करने के बाद ही हो जाएगा। तो बी फॉर्म करने के बाद आप पहली बात ग्रेजुएट हो जाएंगे, अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो ग्रेजुएशन आपका हो जाएगा। दूसरा चीज़, आपको नॉलेज और स्किल ज़्यादा मिल जाएगी क्योंकि एक बैचलर कोर्स है, इसमें 3 साल अभी लेटरल एंट्री लेके अगर आप बी फॉर्म के लिए जाएंगे 3 साल आपको पढ़ना पड़ेगा, 6 सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा। तो ये कुछ आपका कैरियर पॉइंट है, मतलब प्रोस्पेक्टिव है कि आप इससे कर सकते हैं, फ़ायदा है। आगे चल के आप टीचिंग में जा सकते हैं, लेकिन टीचिंग में आप तभी जाइए हमारे समझ से जब आप मास्टर कर लें, मास्टर इन फार्मेसी। उससे क्या होगा कि जब आप बैचलर इन फार्मेसी करके जाते हैं तो केवल आप डी फॉर्म वालों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि रूल ये है कि डी फॉर्म को पढ़ाने के लिए कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए बी फॉर्म, और बैचलर इन फार्मेसी को पढ़ाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो एम फॉर्म है। तो आप अगर टीचिंग प्रोस्पेक्टिव से जा रहे हैं, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तब आप कर सकते हैं। आगे अगर आप प्लानिंग करेंगे बैकडोर से एम फॉर्म करने का, तो वो अच्छा है, आप कर लीजिए। लेकिन मैं यही बार बार आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास बैकअप प्लान है, आपको फैमिली सपोर्ट कर रही है, तब तो आप करिए। अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आप 30 के ऊपर हो गए हैं, तब आप डी फॉर्म में ही सेटिस्फाइड अपने आप को रखिए। और डी फॉर्म कोई ख़राब डिग्री नहीं है या डिप्लोमा नहीं है कि मतलब आपको मिल गया है तब ये बेकार चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, किसी भी प्राइवेट नर्सिंग होम में 12 से 15 हज़ार रुपये आपको सैलरी, स्टार्टिंग में 10 हज़ार रुपये देंगे, धीरे धीरे आपकी सैलरी इंक्रीज कर जाएगी आपकी स्किल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपका लाइसेंस लगता है तो आपको 15 हज़ार रुपये से ऊपर ही सैलरी मिलेगी। आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी भी फार्मेसी कॉलेज में लैब अटेंडेंट के रूप में काम कर सकते हैं। ये आफ्टर डी फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो डी फॉर्म भी कोई ख़राब डिग्री नहीं, अगर आप
जैसे चाहते हैं डबल इनकम सोर्स चाहते हैं तो आप अपना लाइसेंस लगा सकते हैं, किसी बंदे को दे सकते हैं 50 से 60 हज़ार रुपये उससे ले सकते हैं ईयरली, और खुद कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जॉब कर सकते हैं। तो दोनों आपका काम चलता रहेगा, सोर्स आपके पास दोनों रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो लड़के यंग एज में हैं, जिन्होंने अभी सब, उनके लिए सब कुछ नया नया है और बैचलर उन्होंने नहीं किया है किसी चीज़ में, जैसे BSc वगैरह नहीं किया है, BA BSc, तब वो बैचलर के लिए जाएं, क्योंकि बैचलर कर लेंगे तो उनके लिए लाइफ में आगे चल के हो सकता है, इन केस, क्योंकि स्थितियां ऐसी बन रही हैं, सरकार की जो दशा दिशा है वो ये है कि डिप्लोमा एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए प्लानिंग चल रही है। अगर इन केस प्लानिंग आ जाती है तो डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम, ऐसा नहीं है कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो न्यू कैंडिडेट आएंगे उनके लिए रजिस्टर्ड होने के लिए थोड़ा सा उसमें प्रोविज़न होगा कि आपको डिप्लोमा एग्जिट एग्जामिनेशन मैंडेटरी होगा, और वो कहीं ना कहीं एक हद तक सरकार की सोच सही है। रीज़न क्या है, क्योंकि इस बार कोविड का केस था, कहर था, कई लोग हमारे जान पहचान में, आपके जान पहचान में जान गंवा चुके हैं, तो इस वजह से सरकार ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया। लेकिन सरकार से केवल गलती ये हुई कि सरकार एग्ज़ाम तो कंडक्ट कराया लेकिन उसे किसे मतलब कॉलेज में, चाहे जैसे बगल के ही फार्मेसी कॉलेज में उसको सेंटर भेजना चाहिए था, मतलब विथ इन 5 किलोमीटर्स के अंदर रेंज में, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि आप कहीं से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस तरीके से बोलने से फिर एग्ज़ाम का जो महत्व तो होता है वो ख़त्म हो गया। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नकल किए हैं, एक एक नंबर, एक एक लोगों का मैं नंबर देख रहा था डी फॉर्म में और बैचलर में, 80 में से 80 नंबर पाए हैं। तो इस तरीके से जो नंबर फ्री ऑफ कास्ट, और बैक भी किसी, मतलब एक आध बच्चों का बैक होगा वो भी उनकी गलती से होगा, ठीक है। तो इस तरीके की डिग्री लेने का कोई महत्व नहीं रह जाता है बस। तो हमारा कहने का उद्देश्य केवल यही है कि आप कोई भी काम करिए तो अच्छे से नॉलेज लेके उसको आगे कंटिन्यू करिए। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपके पास बैकअप प्लान है बी फॉर्म के लिए, तो आप बिल्कुल बी फॉर्म करिए, बेकार नहीं है डिग्री। तो यही जानकारी थी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।